जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा होगा हाल ही में दुनिया भर के जो जितने भी देश हैं किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रही है। दुनिया भर में जो भी समीकरण चले हैं देश दुनिया भर में, उस वजह से जो बड़े से बड़ा देश है, मजबूत से मजबूत आर्थिक स्थिति वाला देश है, उनकी भी इकोनॉमी काफ़ी तक गिर रही है। रुपया किस तरह से गिर रहा है इसके ऊपर भी लेक्चर लेकर मैं आऊँगा। भारत की जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपको दिख रहा होगा किस तरह से श्रीलंका बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद होने के बिल्कुल कगार पर है और अफगानिस्तान तो बर्बाद हो चुका है। तो तकरीबन जो साउथ एशिया जो रीजन है, जो एरिया है, जिसमें तमाम तरह के देश है, भूटान, भारत, सभी, नेपाल वगैरह, इन सभी की इकोनॉमी गिर रही है। लेकिन यहां पे ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट दिखाती है कि बांग्लादेश यहां पे एक अपवाद है। बांग्लादेश यहां पे एक्सेप्शनली ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है वो जानेंगे पहली बात। दूसरी बात, तुलना करेंगे कि बांग्लादेश पहले कैसा था अब कैसा है, ऐसे क्या मूल कारण रहे, ऐसे क्या दो या तीन बड़े कारण रहे जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक अच्छे स्तर पर आ चुकी है। कम से कम बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इनसे अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो जानेंगे इस सभी की संपूर्ण विश्लेषण इसका करेंगे। और आज आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने यह भी निकाला था, आज नहीं 2 दिन पहले निकाला था, कि किस तरह से बांग्लादेश भारत को भी पीछे छोड़ सकता है, भारत से भी आगे निकल सकता है और बिल्कुल अभी बराबर चल रहा है, भारत से भी ऊपर निकल जाएगा, जीडीपी भारत से भी अच्छा परफॉर्म करेगा आर्थिक तौर पर। तो जानेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो आपको इतना तो पता होगा जिस तरह से बांग्लादेश 1972 के अंदर आज़ाद हुआ था, पहले पाकिस्तान का पार्ट था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, किस तरह से पाकिस्तान ने अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करती बांग्लादेश के ऊपर, कभी बांग्लादेश के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान ही था। लेकिन समय के साथ समीकरण ऐसे बदले कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने अपनी आज़ादी की मांग करी। और जो पूरी कहानी है उसका वो अलग से पूरा टॉपिक है, लेकिन आपको पता है 72 के अंदर जिस तरह से वो आज़ाद हुआ था, देखिए 70s के अंदर काफ़ी लोगों का शोषण हुआ था, काफ़ी लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया, काफ़ी लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए थे, पलायन करके दूसरे देश चले गए थे, दूसरे मुस्लिम देशों में चले गए थे और खास करके जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद वहाँ पे बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद जब युद्ध हुआ, युद्ध में लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया, यहाँ पर एक मैंने फोटो लगाई है, ऑपरेशन सर्च लाइट, ये ऑपरेशन सर्च लाइट यहाँ पे किया गया था 1970s के दौरान पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही बेरहमी से एकदम जलीलता से, क्रूरता से यहाँ पे मारा गया था, यहाँ पे औरतों का रेप हुए थे, बच्चों को मारा गया था, बच्चों को भगा दिया गया था, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा था और जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, वो अपना वर्चस्व खो रहा था। एक समीकरण ऐसे आ गए थे कि शायद पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश से निकले, माफ़ कीजिएगा, ईस्ट पाकिस्तान से निकले। तो जब ये समीकरण पैदा हुए तो जो रियल पाकिस्तान है, लाहौर वाला पाकिस्तान, वो नर्वस हो गया कि उनका ये मानना था कि जो बेसिक लीडर है, जो लीडर जो देश को चलाए, वो कम से कम पाकिस्तान से ही हो, वो ईस्ट पाकिस्तान से ना हो। लेकिन अब क्योंकि दोनों पाकिस्तान के पार्ट थे तो वहाँ पर लोगों ने इलेक्शन करने चालू कर दिए और वहाँ पर भी एक इस तरह के समीकरण बन गए थे। जब उनकी बात को न माना गया, उनकी बात को न कॉपरेट नहीं किया गया पाकिस्तान के रियल आर्मी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। और उसके बाद इसी हाथापाई के दौरान कुछ एकाध बम्बार्डिंग इंडियन एयरफील्ड पर भी होगी, तो उस दौरान भारत को एक लीगल जस्टिफिकेशन मिल गया, लीगल सफाई देने को मिल गया कि अब हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी एयरफील्ड पर अटैक किया। उसके बाद इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका था और इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत को इतना मजबूत उस समय दिखा दिया था, भारत की छवि इतनी मजबूत दिखा दी गई थी कि उस समय भारत ने बांग्लादेश जैसे देश को एक नया जन्म दिया था। तो जाने तो ये सब सिचुएशन थी उस दौरान। और ये देखिए आप, सैम मॉनिकशॉ, ये सभी जब ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जो सबसे बड़ा हथियार डालने वाला जो कार्यक्रम हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सबसे बड़ा जो सरेंडर हुआ था वो पाकिस्तान का हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1972 के अंदर भारत द्वारा कराया गया था। ये देखिए पनडुब्बी वगैरह, इस पर खूब मूवीज बनी हुई है, काफ़ी अग्रीमेंट्स हुए थे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वाला, ये जो साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो चक्रवात है, ये उन दौरान मान लीजिए दुनिया का सबसे डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था वो उसी दौरान बांग्लादेश में आया था। कहने का मतलब यह है कि 1970 का जो दशक था वो बांग्लादेश के लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसकी शुरुआत 1972 से नहीं, इसकी शुरुआत 1960s के डिकेट से ही होने शुरू हो गई थी। 1960s के दौरान ही इनके साथ इस तरह से प्रताड़नाएं, शोषण हुआ था कि इन लोगों को पलायन कर करके दूसरे देशों में जाना पड़ा था। और वही कारण, वही समय था जब काफ़ी हद तक बांग्लादेशी भारत के अंदर भी आए थे और काफ़ी लोग ईस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, गल्फ नेशन है, वहाँ भी चले गए थे।
ये देखिए भुखमरी की कुछ तस्वीरें हैं, इससे भी बहुत ही भयावह तस्वीरें थी, लेकिन वो हम सबके लिए देखना काफ़ी मुश्किल होता, तो फिर भी मैंने एक फोटो यहाँ पर लगाई है। भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, चक्रवात ने बहुत ही ज़्यादा जानलेवा काफ़ी लोगों को इसमें मारा था। स्टैट्स मैंने जो नंबर है वो भी इसके स्लाइड में लेकर आया, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करने लग गया था, कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो समय पर वो वापस ट्रैक पर आ गई, लेकिन उसको काफ़ी समय लगा। लेकिन बांग्लादेश एक छोटा सा देश होने के नाते, इतनी भुखमरी इतनी गरीबी को देखने के नाते, क्योंकि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब बांग्लादेश की गरीबी 85% से भी ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो क्या है, लेकिन हाँ ये इतनी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के बावजूद आज मात्र 50 साल बाद कह लो, थोड़ा सा ज़्यादा समय है, लेकिन 50 साल के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी हद तक जो पॉवर्टी है वो तकरीबन आज 12% तक रह गई है इनकी। तो इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा रिफॉर्म किया है, इतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है, जानेंगे सबके बारे में अच्छे से। अब देखिए जो तीन बड़े मूल कारण थे, पहला तो ये था कि जितने भी लोग पलायन करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गए थे, जो पलायन करके गल्फ नेशंस में गए थे, जितने बांग्लादेशी लोग वहां पे 1970 के अंदर ये सब चले गए थे 1970 के अंदर चले गए थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ नेशन हो गए, सऊदी अरेबिया, जितने भी छोटे देश होते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया और कुवैत हो गया, इन देशों में चले गए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि वहां के ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण बैंक क्या थे मैं बताऊंगा आपको, इस बारे में बात करूंगा मैं आपसे। तीसरा कारण सबसे बड़ा था कि वहां की जो गारमेंट इंडस्ट्री क्या होता है, क्लोदिंग, कपड़े वाली इंडस्ट्री है ना, जिसे हम टेक्सटाइल भी कहते हैं, गारमेंट, कपड़ों का जो उद्योग है वो बहुत ज्यादा बूम करने लग गया था। तो मेजरली तो ये तीन बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से आज बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के योग्य और बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। IMF आज इसको करंट अफेयर में लाने का कारण ये था कि आज जो समीकरण है जहां पे हर देश तकरीबन गिर ही रहा है, बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा है, रुपया गिर रहा है, बाकी सभी देशों के अंदर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बांग्लादेश वहां पे तुलनात्मक तरीके से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जानेंगे उसके बारे में। तो पहला कारण जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग बांग्लादेश के लोग थे जो पलायन कर गए थे सऊदी अरेबिया के अंदर 1960-1970 के दशक में, अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो 1970 के दशक में यहाँ पे हुआ था ऑयल क्राइसिस, दुनिया के अंदर तो कहने के लिए ऑयल क्राइसिस हुआ था, जिस तरह से आज हुआ है कि तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया था 1970 के दशक के दौरान, तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, रुपया काफी हद तक उस समय भी गिरा था, और जो भी सिचुएशन आज चल रही है तकरीबन इस तरह की सिचुएशन, लेकिन चलो ये सिचुएशन तो फिर भी सही है अगर पहले से हम कंपेयर करें तो, लेकिन उस समय भी तेल बहुत बढ़ गए थे। अब दुनिया के लिए तो ऑयल क्राइसिस हो गया था, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है, जो सऊदी, क्योंकि देखिए आप अगर तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे, इसकी सप्लाई अगर आप कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, दुनिया भर में उसके दाम बढ़ेंगे, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ये दुनिया के लिए बुरी बात है, लेकिन जो लोग गल्फ में रह रहे हैं, जो लोग वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। जितने भी बांग्लादेशी लोग सऊदी अरेबिया गए थे, उन लोगों ने यहाँ पे जाके बहुत अच्छे से प्रोडक्शन किया था, बहुत अच्छे से उनको अच्छी उन्होंने कमाई करी थी, मोटी कमाई करी थी, और उन्होंने ये किया कि उनका जो पैसा था वो पैसा उन्होंने अपने घर भेजना शुरू किया। तो आप कमा रियाल के अंदर रहे हो, आप कमा रियाल जो वहाँ की करेंसी का नाम है सऊदी अरेबिया की, वहाँ उस आप कमा रियाल में रहे हो और उसको आप कन्वर्ट कर टका है बांग्लादेश की करेंसी, आप उसको टका के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हो, इसे कहते हैं, इसके लिए एक इकोनॉमिक टर्म है रेमिटेंसेस। इसके लिए रेमिटेंसेस क्या होता है, आप जब कमाते किसी और करेंसी में हो, किसी बड़ी अच्छी भारी करेंसी में कमाते हो, उस पैसे को जब अपने घर भेजते हो तो उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। मान लीजिए जैसे आज $1, मान लीजिए अगर मैं अमेरिका में काम करता हूं और मैं डॉलर में पैसे कमा रहा हूं, अगर मैं $100 में कमाता हूं, अगर मेरी महीने की इनकम $100 है मान लीजिए, तो मेरे पास कितने हो गए, क्योंकि अब रुपया गिर रहा है, पहले रुपया 70 था, आज तकरीबन 77 होकर, आज सुबह जो मैंने थोड़ा सा पढ़कर आया था उसमें 78 भी दिखा रहा था, तो आज 78 हो गया, तो मतलब जैसे जैसे रुपया गिरेगा वैसे वैसे डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर मैं $100 कमा रहा हूं तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, आप समझ रहे चीज को, तो ये बहुत ज्यादा पैसा अगर मैं भारत भेजता हूं तो इसे कहते हैं रेमिटेंसेस। तो ऐसा ही कुछ किया था बांग्लादेश के लोगों ने, उन्होंने रियाल के अंदर कमाया था, रियाल का पैसा कमाया हुआ उन्होंने टका में कन्वर्ट करवाया और वो अपने घर भेजा। अब काफी ये देखा गया था कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने इस पैसे को रिसीव करके उनके जो
घर वाले भेजते थे रियाल, वहां से पैसा भेजते थे, उनको सेव करना चालू किया, समय समय के 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी सेविंग कर ली बैंकों के अंदर, और ओवरऑल जो पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग इस वे में होगी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा आने लगे बांग्लादेश के अंदर। जितने भी लोग प्लान करके मिडिल ईस्ट में गए थे, फिर इकोनॉमिक बूम हुआ था, दुनिया के लिए बुरा ही सही, लेकिन वहां के जो लोग थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे उनके लिए अच्छा था, क्योंकि रुपया, क्योंकि तेल महंगा हो गया था, तेल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ गए और जो पैसा ज्यादा कमाने लगे, ज्यादा कमाने की वजह से उन्होंने यहाँ पैसा भेजना शुरू किया। तो इस तरह की सिचुएशन थी, और काफी पूरे बांग्लादेश के अंदर एवरेज अगर औसत निकालो तो काफी हद तक उन्होंने अपनी सेविंग करना शुरू कर दिया था। अब ये देखिए, इसे कहते हैं रेमिटेंसेस, एक शहर से एक देश से दूसरे देश तक पैसा जा रहा है, रेमिटेंसेस है। इससे क्या हुआ, बांग्लादेश के लोगों के हाथ में पैसा आने लगा, जो वहां के गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा आने लगा, जरूर से थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया, तो उन लोगों ने उसको खर्च नहीं किया, उन लोगों ने उसकी सेविंग करना शुरू कर दिया, बैंकों में डालना शुरू कर दिया, फिर अपनी बर्नी जो जैसा हम करते हैं उनके अंदर सेव करना शुरू कर दिया, पैसा ज्यादा होने लगे। तो एवरेज जब निकाले, औसत निकाले, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक मजबूत हो गई थी, किसकी वजह से, रेमिटेंसेस की वजह से, ये जो पैसा उनको मिला था। उसके बाद दूसरा कारण है ग्रामीण बैंक, क्योंकि देखिए जैसा जैसा लोगों के हाथ में पैसा आने लगा, पैसा आने लगा, तो लोगों ने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू किया कि अब इस पैसे का करेंगे खर्च, फालतू में खर्च नहीं करना है, इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। उस जगह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मोहम्मद यूनुस ने। ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये इनको 2006 के अंदर, इनको पीस नोबेल प्राइज भी मिला गया था, यहाँ पे तस्वीर लगी है, 2006 के अंदर इनको पीस नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्यों दिया गया था पूरा डिस्कस करेंगे। तो 1983 के दौरान इन्होंने एक ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये देखिए, बैंक फॉर द पुअर, गरीबों के लिए जो बैंक होता है, ग्रामीण बैंक। अब आपको समझने के लिए ये जरूरी कि उन दौरान, आज तो चलो ठीक है क्रेडिट सिस्टम देते हैं, इन्होंने क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी गरीब परिवार के अंदर पैसा निकालते हो या कुछ फैमिलीज उनके पास पैसा नहीं है तो आप उनको पैसा देते हो, क्रेडिट सिस्टम कहते हैं उनको, आप उनको पैसा दे रहे हो, बैंक पैसा दे रहा है। पहले क्रेडिट सिस्टम नहीं होता था, आपको समझने वाली बात है, उसे कहते थे क्रेडिट गैप, ब्रिज द गैप, इसे कहते थे क्रेडिट गैप। क्रेडिट होता है पैसा देना, गैप होता है जगह, जो फर्क आ गया है, जो गैप आ गया है कि आपको पैसा नहीं मिला है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट गैप। जब क्रेडिट गैप इतना बढ़ गया था, क्रेडिट गैप के बढ़ने के कारण क्या होता है, देखिए आमतौर पर जब आप लोन लेने जाते हो, तो आपको वहां आपकी देखी जाती है क्रेडिट हिस्ट्री, क्या देखी जाती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपने पहले कितना लोन लिया है, आपके आपके पास ऐसा क्या है जो आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो। अब गरीब जनता है, वहाँ के लोगों के पास जैसे मैंने बताया भुखमरी थी, खाने के पैसे नहीं है, रहने के पैसे नहीं है, तो फिर कहाँ से क्रेडिट हिस्ट्री उनकी होगी। जब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा, तो फिर वही है इस ये जो गैप आया है, लोन और क्रेडिट के सिस्टम में, इसे कहते हैं क्रेडिट गैप, अब इस क्रेडिट गैप को मिटाने के लिए, ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मोहम्मद यूनुस साहब 1983 के अंदर। इन्होंने क्या करा था, जो गांव की महिलाएं होती हैं, अब क्योंकि इनके हाथ में पैसा आने लग गया था रेमिटेंसेस के थ्रू, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनका सेव हो रहा था, उन पैसों को इन्होंने ग्रामीण बैंक के इन्वेस्ट करने के लिए इनको समझाया, और खास करके इसके अंदर महिलाओं को ही इन्वॉल्व किया गया था, पुरुषों को इन्वॉल्व कम किया गया था। इसके पीछे भी कारण है, मैं आपको बताऊंगा। अब जब मोहम्मद यूनुस साहब ने ये सब चीज जब शुरू करी, तो उस दौरान काफी महिलाओं के हाथ में पैसा था, और उन्होंने शुरू कर दिया इसके अंदर जो ग्रुप लोन होता है वो देना शुरू कर दिया, ग्रुप लोन। अब ग्रुप लोन क्या होता है, देखिए ग्रुप लोन का मतलब होता है कि आप जो किसी को कर्ज दे रहे हो पैसा, तो आप किसी एक इंसान को नहीं दे रहे हो, आप ग्रुप में लोन दे रहे हो। मान लीजिए, आज हम छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मान लीजिए 5 महिलाएं हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 महिलाएं हैं, पांचों महिलाएं एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप में मान लीजिए कि हर औरत को, हर लड़की को 100 रुपए अपने जमा कराने हैं इस ग्रुप में रहने के लिए। अपने 100 रुपए जो सेविंग करी, रेमिटेंस जो आया है, थोड़ा बहुत पैसा जो बैंक में रखा है, बैंक में तो नहीं लेकिन जो हमने हाथ में रखा है, अपने घरों में रखा है सेव करके, जमा करके, उसमें से 100 रुपए तो वो हर महीने इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो इस ग्रुप का पार्ट बना रहे। आप ध्यान से समझिएगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब मान लीजिए अगर उनको ग्रुप में रहने के लिए 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो इन पैसों के इकट्ठे होने के बदले में ये साथ में सभी लोग साथ में जाके बैंक के पास जा सकते हैं और लोन मांग सकते हैं, एक 10,000 रुपए का। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है कि हमको पैसा क्यों दे, पहली बात तो ये वो आपका बैकग्राउंड देखता है, वो ये देखता है कि क्या आप ये पैसा वापस चुका सकते हो। अगर अभी अगर बैंक को ये लगता है कि आप पैसा चुकाने की क्षमता रखते हो, तो बैंक आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको लोन देता है। तो जब ये पैसा इकट्ठा होता है और ये एक महीने की बात नहीं, अगर ये 6-8 महीने का इतना पैसा इकट्ठा करें, तो उनके पास क्षमता आ जाती है कि तकरीबन 10 से 20 हज़ार का रुपया ही उठा सकते हैं बैंक से। अब जब उन्होंने बैंक से एक बार पैसा उठा लिया, तो ये लोन किसको देगा बैंक, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देगा, ये पूरे ग्रुप को देगा बैंक।
समझे इस चीज को, उन्होंने ग्रुप में लोन को डिमांड करा और बैंक भी ग्रुप में ही उनको लोन देगा, 10,000 का लोन देगा, तो वो सभी औरतों में इक्वली बटेगा, 5-5, 2-2, 2-2, 2-2 हज़ार करके इनमें बढ़ जाएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बात है ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास वाली बात। ट्रस्ट फैक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जो लोन पेमेंट है, क्योंकि इनको वापस लोन चुकाना भी पड़ेगा बैंक को, थोड़ा बहुत पूंजी करनी है, जो भी उनको इन्वेस्ट करना है, छोटा छोटा बिजनेस खोलना है, सिलाई का थोड़ा काम कर लिया, जो बास्केट बनाते हैं हम, जिन तिनकों से जोड़ के बास्केट बनाते हैं, बास्केट इंडस्ट्री हो गई, मटकी बनाने की इंडस्ट्री हो गई, जो भी छोटी मोटी जो हम घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो सब चीज इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, काम कर दिया, अब एक समय के बाद इनको लोन पेमेंट करना भी है। तो अगर ट्रस्ट बात विश्वास की यहाँ पर इस तरह से है कि इन सभी महिलाओं के ऊपर एक इक्वल प्रेशर है, इसे कहते हैं पीयर प्रेशर, इनके ऊपर एक इक्वल पीयर प्रेशर है, जिसकी वजह से ये लोन लेके नहीं चुकाने का काम नहीं कर सकते, इनको लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने लोन नहीं चुकाया, अगर इन्होंने किसी ने विश्वास तोड़ा, तो उस औरत को उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, अगर उस औरत को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, तो उस औरत के पास और भी ज्यादा इकोनॉमिक, जो आर्थिक तौर पर खुद को स्टेबल करने के जो सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वो औरत खुद कभी नहीं चाहेगी कि उसे उस ग्रुप से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर वो ग्रुप से निकल गई तो लोन उसको नहीं मिलेगा, वो बाकी महिलाओं को ही मिलेगा सिर्फ। इसलिए अब इसमें क्या होता है, तो इससे क्या होता है, पीयर प्रेशर की वजह से हर औरत अपने तरफ से ये जिम्मेदारी निभाती है और पूरा लोन को वापस चुकाने की सबकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सब कुछ किया, जो भी इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया और वापस से उसको लोन चुका दिया, इस बार बड़ा पैसा लोन चुकाया है, तो अगली बार से 10 की जगह 20,000 का लोन ले लेंगे, उसके बाद 50,000 का लोन ले लेंगे। इस वजह से क्या हुआ, औरतों की जो स्थिति थी, औरतों की जो स्थिति वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगी बांग्लादेश के अंदर। इस वजह से ये जो पूरा सिस्टम, इसे कहते हैं ग्रुप लोन, इसे कहते हैं ग्रुप लोन कहना, ये जो ग्रामीण पूरी व्यवस्था थी ये मोहम्मद यूनुस साहब ने शुरू करवाई थी, और इस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला गया था 2006 के अंदर। तो 83 का जो कॉन्सेप्ट था, तकरीबन 20-23-27 साल बाद उनको इस तरह का नोबेल प्राइज मिला गया था। तो इसे कहते हैं ग्रुप लोन, जहां पे आप लोन देते हो किसी पूरे समुदाय को। अब महिलाओं को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व क्यों किया था, महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया था, क्योंकि ऐसी मान्यता है और हमने देखा भी हमारे समाज के अंदर, महिलाएं पूरा घर चलाती है, महिलाएं घर चलाती है ज्यादातर। देखा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट बींग सेक्सिस्ट कि पुरुष खराब होते हैं, महिलाएं अच्छी होती है, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, देखा गया है कि महिलाओं को अगर आप कुछ पैसा देते हो तो वो खर्चा खुद पे नहीं करती है, वो अपने परिवार के ऊपर करती है, अपने पति के ऊपर करती है, अपने बच्चों के ऊपर करती है, अपने सास ससुर अपने माँ बाप के ऊपर खर्चा करती है, खुद के ऊपर खर्चा वो सबसे आखिर में करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप महिलाओं को हाथ में पैसा दोगे तो महिलाएं उसका पूरी जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करेगी, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगी, और है ना, शराब पीने में या कहीं और उस पैसे को जुए में नहीं उड़ाएंगी, महिलाएं उसको काफी जिम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करेंगी। इसलिए जब ये ग्रुप लोनिंग ग्रामीण बैंक की शुरुआत महिलाओं से शुरू करेगी तो काफी सक्सेसफुल रहा था ये। चलिए, तो दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण मैं आपको बताऊं, गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट, गारमेंट मतलब होता है कपड़े, कपड़े बनाने के उद्योग। समय के साथ जैसे जैसे चाइना का जो चीप लेबर था वो महंगा पड़ने लग गया था, दुनिया के लिए चाइना का जो चीप लेबर था वो धीरे धीरे महंगा पड़ने लग गया था। अगर चाइना का लेबर महंगा पड़ने लगे तो उससे क्या, वो बांग्लादेश का जो लेबर था वो सस्ता होने लगा तुलनात्मक तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश इतने सालों से किससे गो थ्रू हो रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ रही थी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी किसी देश में, अगर लोग ज्यादा होंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी, तो वो जो लोग जिन उद्योगों में काम कर रहे हैं उनको कम पैसों में ही काम करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, वो ज्यादा नखरे नहीं करेंगे या ज्यादा ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से, उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से बांग्लादेश का जो लेबर था वो और भी ज्यादा चीप होने लग गया, कपड़ों का जो उद्योग था। आज बांग्लादेश दुनिया का दूसरे नंबर पर रेडीमेड कपड़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर, किसके बाद, चाइना के बाद, भारत भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है, बांग्लादेश है जो रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर आज। तो ये जो मुहिम है ये कब चालू हुई थी, उन्हीं दौरान चालू हुई थी, 1980 के दौरान, जब ये जो गारमेंट कपड़े हैं ये जिस तरह से उद्योग होना शुरू हुआ था, तो ये सबसे बड़ा कारण था बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर, और बांग्लादेश आज दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है। यहां तक कि इन्होंने कोरोना के वक्त के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट किया था। तो ये तीन कारण है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस बताऊंगा, उससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि पहले जब बांग्लादेश आजाद हुआ ही था तब 80% में पॉवर्टी थी, आज स्थिति बांग्लादेश की इतनी कि मात्र 12%, लेस देन, मतलब 12% से भी कम उनकी पॉवर्टी रह गई है। अगर उस छोटे देश की बात करें, 72 के अंदर 10 मिलियन रेफ्यूजीज वहां से निकले थे, 10 मिलियन लोगों ने वहां से पलायन किया था। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो आप सोचिए 10 मिलियन लोगों ने वहां से पलायन किया था, कहां पलायन किया था, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पलायन किया था।
1972 के दौरान जब मैंने ऑपरेशन सर्च लाइट की बात करती, 6 लाख लोग मारे गए थे उस पूरे ऑपरेशन के दौरान। तो बांग्लादेश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, फेस्ड वर्ल्ड्स डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, किल्ड 3 लाख पीपल। जो साइक्लोन की बात मैंने करी थी, उसने 3 लाख लोगों को मार दिया गया था जान से उस साइक्लोन के, उस चक्रवात के दौरान। अब देखिए स्थिति क्या है, 2020-21 में बांग्लादेश पर कैपिटल इनकम इज मोर देन इंडिया। जो पर कैपिटल इनकम होती है, जो पर कैपिटल इनकम होती है, वो बांग्लादेश की भारत से भी ज्यादा अच्छी है। अगर हम 2020-21 के इस डाटा को देखें, आज बांग्लादेश 37th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। दुनिया में कितने देश हैं, वैसे तो 202 हैं, लेकिन यूएन के अंदर चलो मान लेते हैं 192 या 195 के तकरीबन इतने देश हैं। इनमें से बांग्लादेश इतना बढ़िया देश है कि 37th रैंक पर इसकी इकोनॉमी आती है आज के तारीख में। और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है किसी इस तरह के देश ने जिसने इतना ज्यादा देखा है, और वो भी सिर्फ 40-30 सालों के अंदर उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी। तो काफी ये कमेंडेबल है, काफी तारीफ के योग्य है। रेमिटेंसेस की मैंने बात करती, ये लोग जो प्लान करके मिडिल ईस्ट में गए थे, वहां से उन्होंने रेमिटेंसेस भेजा। रेमिटेंसेस बांग्लादेश कितना आने लगे थे, $13 बिलियन इन 2017 तक, क्योंकि 40-45 साल बाद 2017 तक इन्होंने $13 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, $13 बिलियन का जो जो इनका स्टॉक है, इनका जो पैसा, वो रेमिटेंसेस से आया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब ये देखिए उनकी पूरी जीडीपी का, बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसका 6.6% किससे बना है, रेमिटेंसेस से बना है। तो आप सोचिए रेमिटेंसेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से, बहुत ही बड़े क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए 30-40 सालों के अंदर रेमिटेंस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 6.6% बांग्लादेश की जीडीपी का ये हिस्सा कवर करता है। मोहम्मद यूनिस की बात मैं कर चुका हूं, इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत करवाई थी, कॉन्सेप्ट 1983 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, जिसके अंदर महिलाओं को उन्होंने साथ में लेता, महिलाओं को एम्पावर किया था, उनका सशक्तिकरण किया था। 1994 के दौरान ग्रामीण बैंक ने मोबिलाइज मोर देन 20 लाख मेंबर्स। अब वो जो जो मैंने आपको 5-5 औरतों की बात करी थी, वैसे वैसे इकट्ठे होते होते इन्होंने 94 के आने तक उन्होंने कम से कम 20 लाख इस तरह के मेंबर्स को जोड़ लिया था। तो इसके अंदर तकरीबन आई थिंक 94% इसमें सिर्फ औरतें थी, इसके 94% औरतें थी, 6% थे जो मर्द थे जो आपस में इनकी मदद करवाते थे, ठीक है। खैर, और उसके बाद $1 बिलियन वर्थ लोन्स गिवन, और इतने सालों के अंदर $1 बिलियन के जो लोन्स थे, जो मैंने आपको लोन की 10,000 की बात करी थी, वो 10 करते करते 20-30 करते करते $1 बिलियन के लोन उनको दे दिए गए थे। और सबसे मजे की बात यह है कि आउट ऑफ दैट उसके अंदर से $306 मिलियन जो डॉलर था वो दिया गया था सिर्फ जो गरीब से गरीब लोग थे, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, रहने के कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उतना लोन कितने लोगों, $306 मिलियन का लोन उन लोगों को दिया गया था जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे गरीबों को बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया था, गरीबों को शक्ति प्रदान कर दी गई, उन पर विश्वास किया गया था। सबसे बड़ी बात है विश्वास की उन पर विश्वास किया गया था। उसके बाद 94% ऑफ द लोन वर गिवन टू वुमेन ओनली, औरतों को, जैसे मैंने बताया था 94% लोन किनको दिया गया था, औरतों को, क्योंकि औरतें अगर तुलनात्मक तरीके से ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो खुद से पहले अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पति, अपने सास बहू, अपने माँ बाप का ज्यादा पहले सोचती है, खुद के बारे में सबसे आखिर में सोचती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि जितना भी इन गरीबों को लोन दिया गया था, $306 मिलियन की बात कर रहा हूं, $1 बिलियन की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा पैसा, लोन रिकवरी रेट वॉज मोर देन 90%। ये सबसे बड़ी बात है कि 90% से भी ज्यादा लोन वापस से रिकवर कर लिया गया था सक्सेसफुली। ऐसा नहीं हुआ गया था कि लोन डिफॉल्ट हो गया, आपने लोन दिया, उन लोगों ने लोन चुकाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, 90% से ज्यादा लोन रीपेमेंट हो गया था। तो ये सबसे तारीफ करने योग्य बात है कि इतने गरीब होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने अंदर ईमानदारी रखी, अपने देश के प्रति ईमानदारी रखी, और उन लोगों ने समय रहते हुए ग्रामीण बैंक के दौरान अपना सारा पैसा चुकता किया था समय के अंदर। लास्ट में फॉलोइंग दिस मॉडल, जो पूरा मॉडल है ग्रामीण बैंक का, जो मॉडल है जो मैंने आपको बताया था, मोहम्मद यूनुस जी को जो आइडिया था, इस मॉडल को बांग्लादेश के बाद 43 देशों ने अपनाया था। कितने देशों ने, 43 देशों ने इसको अपनाया था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी एक बांग्लादेश के लिए, इस छोटे देश के लिए, छोटे तरीके से। माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं इसको। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाहर से पैसा फंडिंग हो रहा है, कोई और देश इनकी मदद करे, नहीं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, इन्हीं पैसों की वजह से इन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी को खड़ा कर दिया। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की, कि आप इतना बिलियन पैसा डालिए, इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इतना बिलियन पैसा डालते हैं एक साथ। नहीं, अगर आपको अपने देश को बढ़ाना हो, बचाना हो, तो आप महिलाओं पर विश्वास करें, गरीबों पर विश्वास करें, और उनको अगर 5-5, 6-6 हज़ार भी अगर आप पैसे दोगे, तो उसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो हो सकती है। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है इन बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग एलिवेटेड पॉवर्टी बाय 50%। आप देखिए
50% से ज्यादा हद तक इन्होंने अपनी गरीबी को, गरीबों से बाहर आ चुके हैं, 50% से ज्यादा ये अपनी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। गारमेंट की बात करी थी मैंने, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री होती है, कपड़ों वाली, कपड़ों का जो उद्योग होता है इन बांग्लादेश, ब्रिंग्स मोर देन 80% फॉरेन करेंसी इन द कंट्री। ये जो मैंने फोटो दिखाई, यहाँ पर कहने का मतलब है कि 80% से भी ज्यादा जो फॉरेन करेंसी है, जो डॉलर कह लो, युआन कह लो, यूरो कह लो, पाउंड स्टर्लिंग कह लो, रुपया कह लो, इतना ज्यादा पैसा इन्होंने 80% किससे कमाया है? सिर्फ और सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से कमाया है, कपड़ों के उद्योग से कमाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने $34 बिलियन को वो हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, इतना कपड़ा बनाते हैं, इतना ज्यादा कपड़ा बनाने के बाद ये हर साल कम से कम $34 बिलियन का तो एक्सपोर्ट करते हैं। हर साल की बात कर रहा हूं मैं इधर, हर साल $34 बिलियन का ये निर्यात करते हैं। निर्यात करने से इतना पैसा इनके पास आता है, कितना? $34 बिलियन आमतौर पर हर साल। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कोरोना के जमाने के दौरान भी, कोरोना के जब पूरा देश, पूरी दुनिया पूरी तरह से गिर रही थी, उस दौरान भी उन्होंने अपने उद्योग से 34 से तकरीबन उन्होंने $28 बिलियन का उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। ये मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2020 और 2021 की बात कर रहा हूं। उस दौरान ज्यादा, बहुत ज्यादा कोरोना महामारी हो गई थी, सबकी इकोनॉमी गिर रही थी, उस दौरान भी इन्होंने उस साल के अंदर भी $28 बिलियन का निर्यात किया था। इतने पैसे उन्होंने कपड़ों के निर्यात करने से कमाए थे। और आज बांग्लादेश दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेडीमेड क्लोथिंग को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है दुनिया के अंदर। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, भारत ऐसा देश क्या सीखता है इससे? देखिए, गरीब लोगों को सशक्त बनाना, गरीब लोगों पर विश्वास करें, गरीब लोगों को मजबूत बनाएं, महिला वित्त पोषण क्षमता पर विश्वास स्थापित करना, महिलाओं पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के ऊपर हम इतना विश्वास करते नहीं है। हमको लगता है कि महिलाओं को क्या पता है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान कोई समझदार नहीं होता है, समझदारी में और पढ़े लिखे इंसान में बहुत फर्क होता है। हमारी गलती है कि हम जिस इंसान ने पढ़ाई लिखाई करी है हम उसको समझदार मानने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। समझदार मूर्ख भी इस दुनिया में खूब है। कहने का मतलब इतना है कि महिलाओं के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। महिलाओं को बहुत अच्छे से पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, क्योंकि उनको पूरा परिवार चलाना है, उनको सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है। तो महिलाओं को जो वित्त पोषण, जो इनकी क्षमता है, उस क्षमता पर हमको विश्वास रखना है। उसके बाद अर्थशास्त्र के नारीवाद का समर्थन, जो इसको कहते हैं फेमिनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे कहते हैं फेमिनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पर हमको विश्वास करना है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना हमको चाहिए। माइक्रो फाइनेंसिंग की शक्ति का एहसास, माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटे छोटे स्तर पर। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होता है, जिसमें आप बहुत बड़ा लोन करते हो, सरकार आपको $1 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का, नॉट ट्रिलियन, बिलियन है ना, मिलियन, इतने में पैसा खर्च कर रही है, आपने यूएसए से पैसा मंगा लिया, बाहर बाहर से पैसा कमा लिया। अगर ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग पे ध्यान दोगे, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भर के दिखाया है बांग्लादेश की जनता ने, उन्होंने सच में ये करके दिखाया है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और ये इसका एहसास हम लोगों को होना चाहिए। अब क्योंकि इसका एहसास हमें हो गया था समय के बाद, तो देखिए उसके पिछले 7-8 सालों के अंदर, पिछले ज्यादातर पॉलिसी 5-6 सालों में आई है, उसके अंदर इन्होंने दिखाया था कि किस तरह से हमने औरतों को मजबूत करने की कोशिश करी है। सरकार की जो स्कीम रही है, भारतीय महिला बैंक, ये अब मैं भारतीय बात कर रहा हूं, ये देखिए बंधन बैंक, ये वेस्ट बंगाल का बैंक है, जो भी हाल ही में स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल का बैंक है बंधन बैंक, इन्होंने ये शुरुआत कर दी, जहाँ पे ये महिला सशक्तिकरण का विश्वास करते हैं, महिला को पैसा देते हैं और महिलाएं अपने हिसाब से उसको लोन करती है। देखिए, बिना ब्याज के मिलेगा लोन, महिलाओं को सबसे ज्यादा लोन दिया गया था इस इन सभी स्कीम्स के द्वारा। अन्नपूर्णा स्कीम एक आई थी। अच्छा, अन्नपूर्णा दो तरह का, एक तो खाने की व्यवस्था वाला है और एक महिलाओं को पैसा देने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना करें उसमें। तो भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन भारत की एक स्कीम थी। उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम आई थी, स्त्री शक्ति पैकेज आने शुरू हो गए थे, मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन, औरतों के लिए अलग से मुद्रा योजना आने लगी थी, सेंट कल्याणी स्कीम, ये तरह के। और ये तो सिर्फ मेजर है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बताना चाहता, लेकिन ऐसा खूब है ना, ऐसा खूब ज्यादा है। एक उद्योगिनी करके भी है, उद्योगिनी स्कीम भी आई थी, जहां पे आप खास करके महिलाओं को लोन देते हो, महिलाओं के जो फाइनेंसिंग एम्पावरमेंट है उस पर आप फोकस करते हो। तो ये सभी बातें भारत ने रियलाइज करी है, भारत ने इस तरह की स्कीम्स लेकर आए हैं, और आज भारत भी काफी हद तक माइक्रो फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहा है, एमएसएमई फोकस कर रहा है, एमएसएमई जिसकी बात अरुण जेटली जी करते थे, बहुत ज्यादा इंफोसिस उन्होंने एमएसएमई पे किया था, और वो सभी चीजें महिलाओं से कनेक्टेड है। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग खोलकर किस तरह से इकोनॉमी को रखा जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, इन सभी बातों पर उन्होंने विश्लेषण किया था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये करंट अफेयर्स में डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए, श्रीलंका की बात हर कोई कर रहा है, पाकिस्तान की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को कोई देख नहीं रहा है। अब क्योंकि रिसेंटली IMF ने इस बारे में अपना प्रेडिक्शन दिया था बांग्लादेश के संदर्भ में, इसलिए करंट अफेयर्स जानना बहुत जरूरी था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि
कौन से तीन चार बड़े बड़े कारण थे जिनकी वजह से बांग्लादेश के जो जनता थी उन्होंने काफी अच्छे से अपना काम किया है और उनकी अर्थव्यवस्था आज काफी हद तक अपने खुद के पैरों पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान की तरह नहीं है, श्रीलंका की तरह नहीं है कि वो टूटी हुई लकड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं, उनकी तो लकड़ी का सहारा और वो भी लकड़ी टूटी हुई है। बांग्लादेश कम से कम अपने खुद के पैरों पर खड़ा है। तो आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।